49वां अध्याय अक्रूर जी का हस्तिनापुर जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के आज्ञानुसार अक्रूर जी हस्तिनापुर गए। वहां की एक एक वस्तु पर पूर्ववंशी नरपतियों की अमर कीर्ति की छाप लग रही है। वे वहां पहले धृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर, कुंती, बाहलीक और उनके पुत्र सोमदत्त, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, युधिष्ठिर आदि पांचों पांडव तथा अन्यान्य इष्ट मित्रों से मिले। जब गंदिनी नंदन अक्रूर जी सब इष्ट मित्रों और संबंधियों से भली भांति मिल चुके, तब उनसे उन लोगों ने अपने मथुरावासी स्वजन संबंधियों की कुशल क्षेम पूछी। उनका उत्तर देकर अक्रूर जी ने भी हस्तिनापुर वासियों के कुशल मंगल के संबंध में पूछताछ की। परीक्षित, अक्रूर जी यह जानने के लिए कि धृतराष्ट्र पांडवों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कुछ महीनों तक वहीं रहे। सच पूछो तो धृतराष्ट्र में अपने दुष्ट पुत्रों की इच्छा के विपरीत कुछ भी करने का साहस न था। वे शकुनी आदि दुष्टों की सलाह के अनुसार ही काम करते थे। अक्रूर जी को कुंती और विदुर ने यह बतलाया कि धृतराष्ट्र के लड़के दुर्योधन आदि पांडवों के प्रभाव, शस्त्र कौशल, बल, वीरता तथा विनय आदि सद्गुण देखकर उनसे जलते रहते हैं। जब वे यह देखते हैं कि प्रजा पांडवों से ही विशेष प्रेम रखती है, तब तो वे और भी चिढ़ जाते हैं और पांडवों का अनिष्ट करने पर उतारू हो जाते हैं। अब तक दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पांडवों पर कई बार विषदान आदि बहुत से अत्याचार किए हैं और आगे भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। जब अक्रूर जी कुंती के घर आए, तब वह अपने भाई के पास जा बैठी। अक्रूर जी को देखकर कुंती के मन में अपने मायके की स्मृति जग गई और नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, प्यारे भाई, क्या कभी मेरे माँ बाप, भाई बहन, भतीजे, कुल की स्त्रियां और सखी सहेलियां मेरी याद करती हैं? मैंने सुना है कि हमारे भतीजे भगवान श्री कृष्ण और कमल नयन बलराम बड़े ही भक्त वत्सल और शरणागत रक्षक हैं। क्या वे कभी अपने इन फुफेरे भाइयों की भी याद करते हैं? मैं शत्रुओं के बीच घिरकर शोकाकुल हो रही हूं। मेरी वही दशा है जैसे कोई हरिणी भेड़ियों के बीच में पड़ गई हो। मेरे बच्चे बिना बाप के हो गए हैं। क्या हमारे श्री कृष्ण कभी यहां आकर मुझको और इन अनाथ बालकों को सांत्वना देंगे? श्री कृष्ण को अपने सामने समझकर कुंती कहने लगी, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, तुम महायोगी हो, विश्वात्मा हो और तुम सारे विश्व के जीवन दाता हो। गोविंद, मैं अपने बच्चों के साथ दुख पर दुख भोग रही हूं, तुम्हारी शरण में आई हूं, मेरी रक्षा करो, मेरे बच्चों को बचाओ। मेरे श्री कृष्ण, यह संसार मृत्युमय है और तुम्हारे चरण मोक्ष देने वाले हैं। मैं देखती हूं कि जो लोग इस संसार से डरे हुए हैं, उनके लिए तुम्हारे चरण कमलों के अतिरिक्त और कोई शरण और कोई सहारा नहीं है। श्री कृष्ण, तुम माया के लेश से रहित परम शुद्ध हो, तुम स्वयं परब्रह्म परमात्मा हो, समस्त साधनों, योगों और उपायों के स्वामी हो तथा स्वयं योग भी हो। श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी शरण में आई हूं, तुम मेरी रक्षा करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तुम्हारी परदादी कुंती इस प्रकार अपने सगे संबंधियों और अंत में जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करके अत्यंत दुखित हो गई और फफक फफक कर रोने लगी। अक्रूर जी और विदुर जी दोनों ही सुख और दुख को समान दृष्टि से देखते थे। दोनों यशस्वी महात्माओं ने कुंती को उसके पुत्रों के जन्मदाता धर्म, वायु आदि देवताओं की याद दिलाई और यह कहकर कि तुम्हारे पुत्र अधर्म का नाश करने के लिए ही पैदा हुए हैं, बहुत कुछ समझाया, बुझाया और सांत्वना दी। अक्रूर जी जब मथुरा जाने लगे, तब राजा धृतराष्ट्र के पास आए। अब तक यह स्पष्ट हो गया था कि राजा अपने पुत्रों का पक्षपात करते हैं और भतीजों के साथ अपने पुत्रों का सा बर्ताव नहीं करते। अब अक्रूर जी ने
कौरवों की भरी सभा में श्री कृष्ण और बलराम जी आदि का हितैषिता से भरा संदेश कह सुनाया। अक्रूर जी ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र जी, आप कुरुवंशियों की उज्जवल कीर्ति को और भी बढ़ाइए। आपको यह काम विशेष रूप से इसलिए भी करना चाहिए कि अपने भाई पांडु के परलोक सिधार जाने पर अब आप राज्य सिंहासन के अधिकारी हुए हैं। आप धर्म से पृथ्वी का पालन कीजिए, अपने सद्व्यवहार से प्रजा को प्रसन्न रखिए और अपने स्वजनों के साथ समान बर्ताव कीजिए। ऐसा करने से ही आपको लोक में यश और परलोक में सद्गति प्राप्त होगी। यदि आप इसके विपरीत आचरण करेंगे तो इस लोक में आपकी निंदा होगी और मरने के बाद आपको नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए अपने पुत्रों और पांडवों के साथ समानता का बर्ताव कीजिए। आप जानते ही हैं कि इस संसार में कभी कहीं कोई किसी के साथ सदा नहीं रह सकता। जिनसे जुड़े हुए हैं उनसे एक दिन बिछुड़ना पड़ेगा ही। राजन, यह बात अपने शरीर के लिए भी 16 आने सत्य है। फिर स्त्री, पुत्र, धन आदि को छोड़कर जाना पड़ेगा, इसके विषय में तो कहना ही क्या है। जीव अकेला ही पैदा होता है और अकेला ही मर कर जाता है। अपनी करनी धरनी का पाप पुण्य का फल भी अकेला ही भुगतता है। जिन स्त्री पुत्रों को हम अपना समझते हैं वे तो हम तुम्हारे अपने हैं, हमारा भरण पोषण करना तुम्हारा धर्म है। इस प्रकार की बातें बनाकर मूर्ख प्राणी के अधर्म से इकट्ठे किए हुए धन को लूट लेते हैं, जैसे जल में रहने वाले जंतुओं के सर्वस्व जल को उन्हीं के संबंधी चाट जाते हैं। यह मूर्ख जीव जिन्हें अपना समझकर अधर्म करके भी पालता पोसता है, वे ही प्राण, धन और पुत्र आदि इस जीव को असंतुष्ट छोड़कर ही चले जाते हैं। जो अपने धर्म से विमुख है, सच पूछिए तो वह अपना लौकिक स्वार्थ भी नहीं जानता। जिनके लिए वह अधर्म करता है वे तो उसे छोड़ ही देंगे, उसे कभी संतोष का अनुभव न होगा और वह अपने पापों की गठरी सिर पर लाद कर स्वयं घोर नरक में जाएगा। इसलिए महाराज, यह बात समझ लीजिए कि यह दुनिया 4 दिन की चांदनी है, सपने का खिलवाड़ है, जादू का तमाशा है और है मनोराज्य मात्र। आप अपने प्रयत्न से, अपनी शक्ति से चित्त को रोकिए, ममतावश पक्षपात न कीजिए। आप समर्थ हैं, समत्व में स्थित हो जाइए और इस संसार की ओर से उपराम शांत हो जाइए। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, दानपते अक्रूर जी, आप मेरे कल्याण की भले की बात कह रहे हैं। जैसे मरने वाले को अमृत मिल जाए तो वह उससे तृप्त नहीं हो सकता, वैसे ही मैं भी आपकी इन बातों से तृप्त नहीं हो रहा हूं। फिर भी हमारे हितैषी अक्रूर जी, मेरे चंचल चित्त में आपकी यह प्रिय शिक्षा तनिक भी नहीं ठहर रही है, क्योंकि मेरा हृदय पुत्रों की ममता के कारण अत्यंत विषम हो गया है। जैसे स्फटिक पर्वत के शिखर पर एक बार बिजली कौंधती है और दूसरे ही क्षण अंतर्धान हो जाती है, वही दशा आपके उपदेशों की है। अक्रूर जी, सुना है कि सर्वशक्तिमान भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। ऐसा कौन पुरुष है जो उनके विधान में उलटफेर कर सके? उनकी जैसी इच्छा होगी वही होगा। भगवान की माया का मार्ग अचिंत्य है। उसी माया के द्वारा इस संसार की सृष्टि करके वे इसमें प्रवेश करते हैं और कर्म तथा कर्म फलों का विभाजन कर देते हैं। इस संसार चक्र की बेरोक टोक चाल में उनकी अचिंत्य लीला शक्ति के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है। मैं उन्हीं परमेश्वरीय शक्तिशाली प्रभु को नमस्कार करता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार अक्रूर जी महाराज धृतराष्ट्र का अभिप्राय जानकर और कुरुवंशी स्वजन संबंधियों से प्रेम पूर्वक अनुमति लेकर मथुरा लौट आए। परीक्षित, उन्होंने वहां भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के सामने धृतराष्ट्र का वह सारा व्यवहार बर्ताव जो वे पांडवों के साथ करते थे
कह सुनाया, क्योंकि उनको हस्तिनापुर भेजने का वास्तव में उद्देश्य भी यही था। इति दशम स्कंध पूर्वार्ध समाप्त।